अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हुई हूँ और मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी होती हूँ, क्योंकि मौसम जो है वो सुबह का बहुत प्यारा होता है। जिस दिन से मामा आए हैं ना, मामा बना रहे हैं नाश्ता, क्योंकि मेरी मामा का जो है वो कुकिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो वो चलो आ जाओ, मैं फिर दिखाती हूँ आपको। मामा पराठे बना रही हैं। ये हैं मामा के हाथ के पराठे। सबको अपनी माँ के हाथ की चीज़ें पसंद है खाने पीने वाली। मेरे भाइयों को पराठे बहुत पसंद है मामा के ना। तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो तब मामा सुबह सुबह पराठे बनाते होते थे सब्जियाँ डाल के ना बीच में। तो मेरे भाई कहते होते थे, मामा बस ले आओ, बस ना करो। हम पंजाबी हैं ना, तो घर में हम पंजाबी ही बोलते हैं। मैं भी पराठा बनाती हूँ, लेकिन इतना अच्छा पराठा मेरे से नहीं अभी बनता। बाकी चीज़ें मैं अच्छी बना लेती हूँ, बस पराठा मेरे से अच्छा नहीं बनता। हाथ से बनाती हूँ मैं, कौन सा बेलना। हाँ मामा हाथ से बनाती हैं, हम तो बेलना यूज़ कर करके तो फिर बनाते हैं ना रोटियाँ, तो मामा हाथ से ही बना लेती हैं बेल के। एक बन रहा पराठा और एक मामा ने बना लिया है पराठा, और दूसरे हमने एग बॉईल किए हुए हैं, क्योंकि डेली एग ज़रूर हम लोग बॉईल करते हैं। इसके अलावा मैंने रात को चिकन और आलू बनाए थे, और वो भी है सालन, लेकिन सुबह ज़्यादातर जो है वो सालन को दिल नहीं करता, तो चाय और अंडे अच्छे लगते हैं बॉईल। शहजाद सुबह सुबह उठे हुए हैं और कीजिए छोई हुई है, मामा की जान छोई हुई है। बेगलू मामा की जान, छोटू प्रिंसेस, चुनू चुनबो, चुनू गुगू गुगू, मामा की जानू छोटी सी जानू मानू। जानू मानू मामा जा रही है स्कूल, उठ जा उठ जा, मामा जा रही है। अभी हम नाश्ता करने लगे हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो 7:20-25 हो गए हैं और अब 7:45 मैंने घर से निकलना है, तो अभी हम नाश्ता करते हैं। तो सब मुझे बोल रहे थे कि मैंने थायराइड पे पहले वीडियो बनाई थी, वो डिटेल में हमें बताएं कि कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए कौन सा टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा सा बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि सारी डिटेल तो मैंने उसमें बता दी थी। थायराइड जो है वो अगर आपको उसका मसला होता है ना, तो वो फिर आपके हार्मोन्स का इशू हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो कंसीव करते हैं ना आप लोग, वो भी फिर डिले हो जाता है उसकी वजह से। तो बेहतर है कि आप लोग अपना थायराइड का टेस्ट करवा लें। और थायराइड की मैंने अभी अपनी रिपोर्ट निकाली है, मैं वैसे भी आपको दिखा देती हूँ, और मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी उसका तस्वीर एक लगा दूँगी, आप उसको देख सकते हैं टेस्ट को। इसके अलावा मैं स्क्रीन के ऊपर जब एडिटिंग करूँगी वीडियो की, तब भी लिख के लगा दूँगी। वैसे उसको थायराइड का टेस्ट कहते हैं, शहजाद क्या बोलते हैं उसको, TSH। तो जो थायराइड का टेस्ट है वो TSH है, और जो हार्मोन्स का साथ में टेस्ट है ना वो T3
और एक T4 है, ठीक है। वो मैं सारे आपको नाम स्क्रीन पे आ जाएंगे और आप वो टेस्ट करवा सकते हैं। और ये 3 टेस्ट हैं और ब्लड एक दफ़ा ही वो ले लेंगे आप लोगों का। और आपके मुझसे ये भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि कहाँ से हम ये टेस्ट करवाएं, तो आप किसी भी अच्छी लैब से जाके ये टेस्ट करवा सकते हैं। वैसे हम लोग जो है वो आमतौर पर चुगताई से या और अलनसर, चुगताई लैब या अलनसर वालों से करवाते हैं सारे अपने टेस्ट, क्योंकि उनका थोड़ा सा ना जो है वो रिपोर्ट अच्छी आती है ना शदान, उनकी रिपोर्ट थोड़ी बेहतर होती है। तो आप उनसे चुगताई वालों से या अलनसर वालों से करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी शहर में, वैसे तो जगह जगह उनकी ब्रांचेज हैं, लेकिन अगर किसी शहर में उनकी ब्रांच नहीं है तो आप वहाँ के शहर के सबसे किसी भी अच्छे जो है वो लैब से करवा लें इसका टेस्ट। और ये होता है कि कई कई लोगों का हाई होता है, कई लोगों का लो होता है थायराइड लेवल। तो जब आप का टेस्ट हो जाता है तो एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा हुआ था कि फिर जो है वो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आपका टेस्ट आता है जो इसका नॉर्मल रेंज है ना TSH की, वो है मेरा ख्याल 0.4 से लेकर 4 तक होती है। और अगर आपके 4 से ऊपर है ना, तो फिर इसका मतलब है आपका थायराइड लेवल जो है ना वो हाई है। तो आप रिपोर्ट ले एक बार करवा लें, उसके बाद थायराइड के किसी अच्छे डॉक्टर जो हैं आपके शहर में, आपके पास नेट तो आजकल हर किसी के पास अवेलेबल होता है, तो आप वो रिपोर्ट ले के नेट पे देख लें कोई अच्छा डॉक्टर आपके शहर में थायराइड का हो, तो आप उनके पास लेकर जाएं और उनको चेक करवाएं कि मेरा थायराइड का कोई मसला तो नहीं है, और वो आपको खुद ही सजेस्ट कर लेंगी। वैसे थायरोक्सन गोली एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा हुआ था कि हम मेडिसिन कौन सी लें, तो ये देखें मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे ये प्रॉब्लम था थायराइड का। मैंने आप लोगों के साथ इसलिए ये शेयर किया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि भी अगर आपको अगर किसी चीज़ का फ़ायदा होता है ना, मैं चाह रही थी कि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो, कि अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा तो चलो मेरे छोटे से अमल की वजह से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने इसलिए आप लोगों से ये थायराइड वाला मसला शेयर किया था। बाकी आप रिपोर्ट करवाने के बाद डॉक्टर के पास जाएं, फिर डॉक्टर आपको खुद ही मेडिसिन उसकी सजेस्ट करेंगी। सारी डॉक्टर जो हैं वो थायरोक्सिन मेडिसिन देते हैं, आपने खुद से नहीं लेनी क्योंकि उसकी मिकदार होती है। कुछ लोगों को वो आधी देते हैं, कुछ को एक देते हैं, कुछ को दो भी देते हैं, ठीक है। ये डेली खानी होती है और खाली पेट खानी होती है, सुबह नाश्ते से पहले खानी होती है, या दिन में किसी भी वक्त 4-5 के टाइम शाम को भी खा सकते हैं आप लोग, क्योंकि तब भी पेट खाली होता है। और ख़ुद से नहीं लेनी, मैं बार बार कह रही हूँ कि खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी। टेस्ट करवाने के बाद आप लोगों ने डॉक्टर के पास जाना है, जब वो सजेस्ट करेंगी फिर आपने मेडिसिन लेनी है। और इसके अलावा वो थायरोक्सिन के अलावा जब आप जाते हो, अगर आपका मसला थोड़ा ज़्यादा ख़राब होता है तो वो फिर आपको जो है वो और भी मतलब इंजेक्शन वगैरह होते हैं विटामिंस वगैरह के, वो भी आपको दे सकती हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने दिए थे। मेरे पैरों में दर्द था, मेरी टांगों वगैरह में दर्द था, तो उसने फिर मुझे ना ताकत के इंजेक्शन वगैरह दिए थे जो 15-15, 10-10 दिन के बाद लगता है। तो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको क्या मेडिसिन सुजेस्ट करेगी। तो अब देख लें आप लोग, और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, मेरे मशवरों पे नहीं रहना। मैंने आप लोगों को सिर्फ बताना था कि भी ये मसला भी होता है बेबी ना होने के पीछे। तो बाकी मेरी दुआ है कि सब लोगों को खुदा औलाद दे, और आमीन। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं दुआ करने के लिए, तो सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि खुदा सबको जो है वो औलाद की नेमत दे। और अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।